बात एक ऐसे नेता की जिसने अपने संगठन के प्रचार के लिए खाना बनाने की नौकरी की। मोरारजी देसाई सरकार में मंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा 60 वर्ष की उम्र में राजनीति से संन्यास लेकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। नमस्कार मित्रों, मैं इस वीडियो में चंडिकादास अमृतराव देशमुख यानी नानाजी देशमुख की बात करूंगा। नानाजी देशमुख का जन्म महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कदोली कस्बा में 11 अक्टूबर 1916 को हुआ था। नानाजी की आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था, इसलिए पढ़ने के लिए सब्जी भी बेचना पड़ा। नानाजी देशमुख बचपन से ही बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने 1930 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के सानिध्य में RSS ज्वाइन की। उनकी श्रद्धा देखकर सरसंघचालक श्री गुरुजी ने उन्हें गोरखपुर भेजा, जहां संसाधनों की कमी पर उन्होंने बाबा राघवदास के यहां खाना बनाने की नौकरी भी करनी पड़ी। 1950 में जनसंघ की स्थापना के पश्चात नानाजी को उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया। उत्तर प्रदेश में उनके संगठनात्मक कौशल के बदौलत पार्टी को खासा फायदा मिला। उत्तर प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनवाने में नानाजी की अहम भूमिका रही। आपातकाल के पश्चात 1977 में के आम चुनाव में नानाजी बलरामपुर से निर्वाचित हुए और मोरारजी देसाई सरकार में उद्योग मंत्री बनने का न्योता भी मिला, लेकिन नानाजी ने मना कर दिया। 1980 में 60 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और अपना पूरा जीवन सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यों में लगा दिया। उन्होंने चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान और चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है। उन्होंने अपनी कर्मभूमि चित्रकूट को चुनने पर कहा था कि उन्हें राजा राम से वनवासी राम अधिक प्रिय लगते हैं। नानाजी देशमुख को उनके ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख की 95 साल की उम्र में चित्रकूट में ही मृत्यु हो गई। 2019 में नानाजी देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज कराएँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।